अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काजी हकीम है और मैं सबाउन टीवी में प्रोड्यूसर हूँ और एज एन एक्टर भी काम करता हूँ। आगाज़ प्रोडक्शन जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रोडक्शन है, तो इनके साथ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है और इसमें मेरा एक करेक्टर है, बहुत ज़बरदस्त करेक्टर है और बहुत रोने धोने वाला करेक्टर है, उसको मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आगाज़ प्रोडक्शन वाले जो हैं ये प्रोफेशनल हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ प्रोफेशनल काम बहुत कम होता है, तो खुशी की बात यही है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं तो बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में कर रहे हैं। इसके अलावा जो बात मैंने नोट की है वो ये है कि आगाज़ प्रोडक्शन वाले जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जिनका इनका जो पोस्ट प्रोडक्शन काम हो रहा है और जितना भी काम हो रहा है तो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पश्तों में आमतौर पर इस तरह नहीं होता, इतनी खारी नहीं होती, इतने मतलब वो जो मैं क्या कहूँ कि तैयारी नहीं कर रहे होते जितना यहाँ पे है। तो इस हवाले से तो ये बड़ी खुशायंद बात है कि अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो पश्तो शोबेज़ है तो इसमें भी ऐसे लोग आ रहे हैं कि यहाँ पर अब काम का मेयार जो है वो ऊँचा होगा और अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बीबी शीरीन है। आगाज़ प्रोडक्शन हमारे लिए बहुत कुछ, बल्कि मैं यही कहूँगी कि बहुत नया कुछ हमारे लिए लेके आया है। इससे पहले मैंने तो पश्तो में बहुत सारे ड्रामे किए, बहुत काम किए, फिल्म आर्टिस्ट, एवीटी खैबर, पीटीवी, सीडी, इसके अलावा मैंने कंपेयरिंग और रेडियो पुख्तनख्वा एफएम की आरजे भी हूँ। इसके अलावा सियासत से भी मेरा ताल्लुक है, लेकिन आगाज़ प्रोडक्शन में जितना मैंने काम किए, फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पे, इन लोगों के साथ मेरा काम हो रहा है, नए लोग हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं अरशद सलीम साहब, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं, और इसके अलावा जो हमारी डैनी साहब है कैमरामैन, वाह उसकी तो बात ही कुछ और है। हंसी हंसी और मजाक में हम काम कर रहे हैं और जिस सेट पे हम काम कर रहे हैं, जिन बंदों के साथ मैं काम कर रही हूँ, बिल्कुल सब कुछ आपको एक नया नज़र आएगा और आप देखिए यकीनन खुश होंगे। जी ड्रामे का नाम आप बिल्कुल मत भूलिएगा, गुल और सनम, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मने क्या सरकार के आले, ठीक ठाक हो, रोक जोड़ो। मेरा नाम सलीम शौक, 1982 मतलब के 31वां साल मनु शुरू है कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन दे ड्रामे तेजकार पे कम करना वा। इस अलावा मैंने स्टेज, रेडियो ते मुख्तलिफ चैनल पे कम किया है। मैंने जेड़ा पहला इब्तदाई ड्रामा किया है तो इनको दा ड्रामा है, उसका नाम आया दीवे दी लो। उस दे प्रोड्यूसर है मरहूम, अल्लाह मगफरत फरमाए उन्हां दी, नसीम जान साहब। मैंने पहला उन्होंने नाल काम किया है, उस बाद चल सो चल तो हूँ जेड़ा ते आगाज़ फिल्म्स वाले ने मनु एक बेहतरीन करैक्टर दिता है। मैं उन्होंने मशहूर हाँ दिलो जान दे, मैं एक चांस दिता ने, यह मेरी गुड लक है कि मैं उन्होंने नाल पे काम करना वा। साढ़े जेड़े ड्रामा डायरैक्टर हूँ डैनी शिराज साहब, बड़े कूल माइंड बंदे हैं, तो एक एक स्टेप, एक एक जुमला उसको परफॉर्म करके दस दिन, वो बेहतरीन डायरेक्टर हैं इस वेले के पी के देजकार। तो जनाब अरशाद सलीम साहब उन्होंने भी मशहूर हाँ कि मनु एक अच्छे करैक्टर उन्होंने कास्ट किया है, मेरी गुड लगे कि मैं इस टीम का एक हिस्सा बनावा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रख रहा हाँ कि वक्त भी मैं इन्होंने नाल वक्त भी मनु मौके फराहम कर सूँ, तो तुसी प्यारे प्यारे लोग, सोहने सोहने लोग वक्त भी मनु स्क्रीन पर देख सो। इस अलावा पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे के अचकार हूँ खैबर चैनल पर मेरा प्रोग्राम चल रहा है द किस्सा खाने गप, तो बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है जरा मैंने गौन गाया, तो उस देचकार मैं पे गाना वा। क्या गाना वा? किस्सा खानी देचकार अजब लहर होंदी है, ठंडी ठार इस बाजार दी दोपहर आंदी है, शहजादियो खुदा पामान। ग्रानो कतुन को सलामुना जयम नियामतुल्ला सुरूबी के पदे ड्रामा के जिदेनो दे मकसूद खान पनुम्बा ने किरदार अदा को पदे ड्रामा के द मुख्तलिफ टीम मुख्तलिफ किरदारों तासो बगोरे बा चिन्हन पके लास्ट एपिसोड बांधे मुंगे पसेट बांधे नाच्यू
او پدی ڈرامہ کی چیدین دا مونږ ډیر په خونه په مینه باندې وکړه او زه خصوصا چیدین د دې ټول ډرامې د ټیم ټیکنیکل سٹاف او خصوصا د ډینی استاد شکریا ادا کوم چې مونږ ډورو کسانو سره کار کړی خو ته ډینی استاد سره چې ما کوم کار کړ نو هغه ما ډیر په مینه په شوق چې زما زړه غواړي کې د دې چې سل رانی نو ولا سل رامو لنګ راسم هغه دا چې یو زبردست ډایریکټر دی او په ټیکنیکل کار باندې چې دین مونږ د دې نړۍ رزدا کړه وکړه او ان شاء الله دا ډرامه به تاسو وګورئ او تاسو به چې دین یوازې زنه تاسو په خپل تعریف کړئ. السلام علیکم ډیر ویورز، آغاز فلم پروڈکشن کی طرف سے میں فاروق بادل، اس پروڈکشن میں میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کرتا ہوں. بہت اچھی پروڈکشن ہے، سٹارٹ انہوں نے لیا ہے دو تین پشتو ڈرامے اور کچھ ریئلٹی شوز سے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت کامیاب ہوگی اور بہت اچھا اور ریئل ورک کر رہے ہیں، تو میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے کامیاب کرے. اور آپ سے اس بات کی التماس ہے کہ اس کا جو بھی ڈرامہ یا جو بھی شو بنتا ہے یا بننے جا رہا ہے وہ لازمی دیکھیں، ضرور دیکھیں اور لوگوں سے بھی شیئر کریں. شکریہ.